पलामू देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और तीन चरण के 284 सीटों का चुनाव संपन्न भी हो चुका है और चौथा चरण 13 मई को 96 सीटों पर मतदान होना है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर देशवासियों से इंडिया गठबंधन एवं कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की है। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा है कि ये चुनाव लोकतंत्र एवं संविधान बचाने की चुनाव है और उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग लोकतंत्र एवं संविधान को खत्म करना चाहते हैं एवं इंडिया गठबंधन तथा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। परवेज आलम की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले, 4000 किलोमीटर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र चले, आपसे बातचीत करके आपके दिल के अंदर जो था उसको सुनकर हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया। ये आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मगर आवाज आपकी। 5 गारंटीज दी हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। किसानों को गारंटी लीगल MSP दे रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, मजदूरों को मिनिमम वेज 400 रुपए की दे रहे हैं। तो ये देश को बदलने का मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए, हाथ के बटन को दबाइए।